स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोएट्री का लेसन नंबर 4 बताऊंगा। लेसन का नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, और इस पोएम के राइटर हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1771 में हुई थी। अब हम आते हैं पोएम के पहले स्टंजा पे। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोअरिंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। इस स्टैंजा में या इन पंक्तियों में कवि ने शाम का समय वर्णित किया है, जब बस रात होने वाली होती है उस समय का वर्णन किया है। द कर्फ्यू टॉल्स मतलब गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल मतलब होता है वह घंटी जो आदमी के दाह संस्कार के समय बजती है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो घंटी बजती है उसको नेल कहते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यहाँ गिरजाघर की घंटी बजती है और इसकी जो आवाज़ है कुछ इस तरह से लगती है जैसे दिन का अंतिम संस्कार हो रहा हो। तो दिन का अंतिम संस्कार का मतलब है कि दिन समाप्त हो रहा है, तो दिन की समाप्ति का समय है और गिरजाघर की घंटी बजकर इस बात का संकेत देती है। द लोअरिंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोअरिंग हर्ड मतलब रमाते हुए जानवरों का झुंड धीरे धीरे चारागाह से होते हुए जा रहा है। ली मीन्स चारागाह। दिन भर पशुओं ने चारागाह में घास चरा और उसके बाद रमाते हुए संध्या बेला में चारागाह से घर की तरफ जा रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे, प्लाउमैन मीन्स किसान जो दिन भर अपने खेतों में हल चलाया है और थका हुआ है, वह भी थके हुए कदमों से, बोझिल कदमों से, थके हुए रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा है। थके हुए रास्ते से मतलब है कि जब व्यक्ति थका होता है दिन भर का तो उसको रास्ता भी थका हुआ महसूस होता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और ये सभी गुजरता हुआ दिन और रवाते हुए पशु जो घर की तरफ जा रहे हैं और थके हुए किसान जो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ये सभी संसार को अंधेरे में छोड़ते हुए जा रहे हैं और मुझे भी, अब मैं बचा हूँ और यह अंधकार बचा हुआ है। अब दूसरे स्टंजा पे आते हैं। बीनिथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, वेयर हीव्स द टर्फ इन मेनी ए मोल्डरिंग हिप, इच इन हिज नैरो सेल आर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लिप। इस स्टंजा में या इन पंक्तियों में कवि ने कब्रिस्तान का वर्णन किया है। एक छोटे से गांव का कब्रिस्तान है, वहाँ पे क्या स्थिति है उसको वर्णित किया है। तो यह कब्रिस्तान खुरदरे और सदाबहार इल्म के पेड़ों के नीचे है। इल्म मतलब चिराबेल का एक पेड़ होता है, तो इस खुरदरे चिराबेल के पेड़ के नीचे यह कब्रिस्तान है। वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मोल्डरिंग हिप, टर्फ मतलब घास से ढकी हुई भूमि, तो यहाँ पे घास से ढकी हुई भूमि कब्र से है, कब्र के ऊपर घासें उगाई हैं। और मोल्डरिंग हिप मतलब यह जो ढेर है मिट्टी का जिसको कब्र का शक्ल दिया गया है, यह नष्ट हो रहा है
और ही मतलब होता है संतोष की सांस, ईच इन हिज नैरो सेल और एवर लेट। फेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मॉल्डरिंग हिप, ईच इन हिज नैरो सेल और एवर लेट। अब इन पेड़ों के नीचे, चिराबेल पेड़ के नीचे कई टूटी फूटी कब्रें हैं जिनके ऊपर घासें उगाई हैं, और इन छोटे सकरे सेलों में, सेल मतलब यहाँ सेल का मतलब तो उसे कच्छ या कुठरी होता है, पर यहाँ पे कब्र से है, तो इन सकरे कब्रों में लेटे हुए हैं कौन लोग लेटे हुए हैं? द रूट फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। इस छोटे से गांव के पूर्वज जो सीधे साधे और गंवार हैं। रूट का मतलब तो ऐसे अशिष्ट होता है, पर पूर्वज हैं तो उनको अशिष्ट न कह के बल्कि साधारण और अशिक्षित कहना उचित होगा। तो इस छोटे से गांव के साधारण और अशिक्षित पूर्वज लेटे हुए हैं इन छोटी कोठरियों में या इन छोटी कब्रों में। द ब्रिजिस कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर, द सोयलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन आर द इकोइंग हॉर्न नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। इन पंक्तियों में कवि ने सुबह के समय का वर्णन किया है कि सुबह क्या कुछ होता है। तो सुबह के समय जो हवा बहती है वो ताजगी भरी होती है और सुगंधित होती है जो हमें जगाती है। द ब्रिजी कॉल्स ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, सुबह की सुगंधित हवा, स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ जो उनके घास फूस के घोंसलों से आती है। स्ट्रॉ बिल्ट शेड मतलब घास फूस से बना हुआ घोंसला। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और मुर्गे की कर्कश बांक की आवाज़। सुबह सुबह मुर्गा भी बोलता है, उसको मुर्गे की बांक कहते हैं, और आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है, तीखी होती है। और द इकोइंग हॉर्न, या फिर सुबह के समय शिकारी लोगों की आवाज़ होती है जो अपने शिकारी कुत्ते को बुलाने के लिए करते हैं। शिकारी अपने शिकारी कुत्ते को बुलाने के लिए जो आवाज़ करते हैं वो भी प्रायः सुबह सुबह सुनाई देती है। पर ये सभी आवाज़ें, चाहे वो सुबह की सुगंधित हवा हो, बल्कि ये कही कि ये सभी चीज़ें, या सुबह की जो सुगंधित हवा होती है, या चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ होती है, या फिर मुर्गे की बांग होती है, या फिर शिकारियों की आवाज़ होती है जो अपने कुत्तों को बुलाने के लिए करते हैं, शिकारी कुत्तों को बुलाने के लिए, ये सभी आवाज़ें, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, ये सभी आवाज़ें इन जमींदोज बिस्तरों पर लेटे हुए को उठाने के लिए सक्षम नहीं उठा पाती हैं। मतलब जो लोग अपने बिस्तर पे जमीन के अंदर बल्कि अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं उनको उठा नहीं पाती, ये चिरस्थायी रूप से सो रहे हैं। अब आते हैं हम इसके तीसरे स्टंजा पे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्कर, नॉर ग्रैंडियर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। इन पंक्तियों में कवि ने जो दुनिया में जो लोग हैं, महत्वाकांक्षी हैं, प्रभावशाली हैं, सफल हैं, उन लोगों का जो रवैया है होता है साधारण लोगों के प्रति, वैसा न करने की सलाह या अपेक्षा कर रहा है कवि। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर इज फुल ट्वेल, जो दुनिया के महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको ऐसे लोगों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मतलब जो लोग की कब्र में लेटे हुए हैं वो कठिन परिश्रम किए हैं अपने जीवन में, और आज विश्राम कर रहे हैं, चिर विश्राम कर रहे हैं, और ऐसे चर्च यार्ड में या ऐसे कब्रिस्तान में जो टूटा फूटा हुआ है, तो इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्स्कर,
और उनके जो घरेलू आनंद है, मतलब कब्र में जो उनको आनंद है ना, वहाँ पे सुख की अनुभूति है ना दुख की अनुभूति है, डेस्टिनी मीन्स किस्मत होता है, आपका मीन्स धुंधली, तो उनकी जो धुंधली किस्मत है और जो घरेलू आनंद है उसका मजाक महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विथ ए डिस्टेनफुल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। और ये जो प्रभावशाली शानदार लोग होते हैं समाज में, ये लोग इन लोगों को एक घृणात्मक रूप से मुस्कुराना नहीं चाहिए। इन गरीब लोगों के छोटी सी कहानी को सुनकर, मतलब छोटी सी कहानी से मतलब है ये लोग जीवन में जो किए हैं, पैदा हुए, मेहनत किए, खाए और फिर मृत्यु को प्राप्त की, कुछ खास इनके जीवन में नहीं होता। तो इनकी कहानी को सुनकर जो शानदार लोग हैं, सफल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनको घृणा के साथ मुस्कुराना नहीं चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी, ऑल द वेल्थ आर गेव अवेट लाइक इनविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। द बोस्ट ऑफ हार्डली, बोस्ट मतलब होता है गप मारना या अपनी अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो या एक साधारण शब्दों में कहा जाए तो घमंड करना। तो जो समाज के उच्च कुल, हार्डली मतलब होता है उच्च कुल में जन्मे हुए लोग, तो जो उच्च कुल में जन्मे हुए लोग हैं उन्हें, जो उच्च कुल में जन्मे हुए लोग हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, द पॉम्प ऑफ पावर, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल द ब्यूटी वेल्थ आर गेव, और जिन्हें रूप मिला हुआ है, धन दौलत मिली हुई है, वे सभी लोग अवेट लाइक इनएफिटेबल आवर, ये सभी लोग इस अटल समय का इंतजार कर रहे हैं। मतलब समाज में जो उच्च कुल में जन्मे हुए लोग हैं और जिन्हें अपने उच्च कुल में होने का घमंड भी है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें जो रूपवान हैं, धनवान हैं, वे सभी इस अटल समय का इंतजार कर रहे हैं, मतलब मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं या मृत्यु उनका इंतजार कर रही है, एक न एक दिन उनकी भी मृत्यु होनी है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव। और ये प्रभावशाली लोग जो अपनी सफलता में, अपने रूप में, अपने धन में मदहोश हैं, घमंड से चूर हैं और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ाए हैं, उनको उनका भी जो रास्ता है अंततः इसी कब्र में आके रुकेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में आप और कुछ क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वैसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।